हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। इश्यू ऑफ शेयर को पढ़ते पढ़ते हम लास्ट पड़ाव की तरफ पढ़ चले हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करना है। दोनों ही क्वेश्चन फॉर्मेशन एंड रेशू से रिलेटेड है, जहां पर आपको एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 ओवर सब्सक्रिप्शन का भी मिलेगा, लेकिन दोनों ही फॉर्मेचर है और रेशू से रिलेटेड है। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अलग है, कंडीशन अलग अलग है। दोनों कंडीशन हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यही पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पहले देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, कि समझना जरूरी है। क्वेश्चन को समझेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। क्या समझना है देखिए, यहां पर बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल हटकर है, इजी है लेकिन हटकर है लैंग्वेज खासकर, क्योंकि यहां पर भी फॉर्फिचर की बात हो रही है, लेकिन डायरेक्टली आपको यहां पर अलॉटमेंट शेयर्स और कॉल का अमाउंट नहीं दे रखा है। तो कैसे देख रखा हुआ, देखिए, अमित होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच ही हैज पेड ₹1 पर शेयर एज एप्लीकेशन मनी। अमित के पास 100 शेयर है और उसके ₹10 के हिसाब से केवल एप्लीकेशन का पैसा उसने पे किया। नेक्स्ट, बिमल होल्ड्स 200 शेयर्स ऑफ 10, इसके पास 200 शेयर है सेम वाला जो अमित वाला था, लेकिन इसने क्या किया, ऑन विच ही हैज पेड ₹1 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹2 ऑन अलॉटमेंट। इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया और अलॉटमेंट का पैसा दिया। नेक्स्ट, चेतन होल्ड्स 300 शेयर्स, चेतन के पास 300 शेयर है एंड 10 ईच, ही हैज पेड 1 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 फॉर फर्स्ट कॉल। इसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा दिया। दे ऑल फेल टू पे देयर एरियर एंड सेकेंड, वो जिन्होंने जितना दिया उसके बाद उन्हें किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, ना ही उन्होंने सेकेंड कॉल दिया, समझ में आ गया। और कंपनी ने, डायरेक्टर्स ने इनके सभी शेयरों को फॉरफेट कर लिया और बाद में रीशू के लिए सब्सिक्वेंटली एट ₹11 पर शेयर के हिसाब से यू हैव टू पास जर्नल एंट्री। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं। कैसे लगाना है, सबसे पहले यहाँ लिखिए किस पे कितना कॉल था। एप्लीकेशन के कितना रुपए हो गया, ₹1। अलॉटमेंट का कितना रुपए हो गया, ₹2। फर्स्ट कॉल का कितना रुपीज़ हो गया, ₹3। सेकेंड कॉल का कितना रुपीज़ हो गया, ₹2। और फाइनल कॉल को मांगा नहीं गया, छोड़ देंगे इसको। अब एक एक करके देखिए, सबसे पहले हम बात करते किसकी, अमित की। अमित होल्ड 100 शेयर्स, अमित के पास 100 शेयर है और उसने अपना एप्लीकेशन मनी का पेमेंट कर दिया। सॉरी, ये हो गया कितना रुपीज़, ₹1। अमित ने अपना ₹1 का पेमेंट किया, 100 के हिसाब से ₹100 का पेमेंट कर दिया। इसका मतलब उसने अपना अलॉटमेंट का पैसा पेमेंट नहीं किया, इसके मतलब अपने इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया और उसने अपना फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, समझते रहिएगा। उसके बाद बारी आती है बिमल की। बिमल के पास 200 शेयर है, उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया, इसका मतलब एप्लीकेशन का कितना रुपए जमा कर दिया, 200। अलॉटमेंट का कितना जमा कर दिया, 400। उसने अपना फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 3 × 2 = 600 यहाँ का नहीं दिया और 2 × 2 = 400 उसने यहाँ का नहीं दिया। फिक्स्ड बारी आती है चेतन की। चेतन होल्ड्स 300 शेयर्स, चेतन के पास 300 शेयर है, उसने अपना एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों का पैसा दे दिया, इसका मतलब होता है इसने यहाँ पर अपना 300 दे दिया, उसने अपने यहाँ पर 3 × 2 = 600 दे दिया, उसने अपने यहाँ पर 3 × 3 = 900 दे दिया, बट उसने अपना सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, 3 × 2 = 600 नहीं दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको देखना ये है किसने कितना पैसा दे दिया और किसने इतना पैसा नहीं दिया। टोटल ओवरऑल शेयर्स कितने हैं, 600 है। कितने रुपए नहीं आए, अलॉटमेंट का ₹200 नहीं आया, फर्स्ट कॉल का ₹900 नहीं आया और सेकेंड कॉल का पूरा ₹1200 नहीं आया, और इसका ₹600 आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पर इसका ₹1000 आ चुका है और यहाँ पर इसका ₹900 आ चुका है। इसका मतलब टोटल कितना रुपीज़ आ चुका है, 2500 आ चुका है कंपनी की अब फॉरफेट। अब खुद सोचिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, अब खाली जर्नल एंट्री करनी है। कंपनी ने ₹2500 फॉरफेट कर लिया 600 शेयरों का। अब इसको एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, एंट्री में। और एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए एंट्री क्या होती है, देखिए यहाँ पर पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
कितने शेयर थे? 600 शेयर। केवल फाइनल कॉल की बात नहीं हो रही है, सेकेंड कॉल की बात हो रही है। सेकेंड कॉल तक कितने रुपए थे? 8 रुपीज। तो ये हो गया 4800। ठीक है, जो जो पैसा नहीं दिया उस सबकी एंट्री कर दो। पैसा किसका नहीं दिया? टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का पैसा भी नहीं दिया, और शेयर फाइनल कॉल का भी अकाउंट सेकेंड कॉल का भी पेमेंट किसी ने नहीं किया, और जो बचा हुआ पेमेंट उन्होंने कर दिया सबको डाल दो कहाँ पर? शेयर फॉर फ्यूचर में। अब जो कुछ भी मैंने अभी बताया उस सबकी एंट्री कर दो। क्या क्या जाएगा? अलॉटमेंट का कितना रुपये नहीं आया? 200। फर्स्ट कॉल का 900, सेकेंड कॉल का 1200। तो यहाँ एंट्री कर देंगे हम, कितना हो जाएगा? दिस वन अलॉटमेंट का 200 रुपीज़ नहीं आया। ठीक है, सेकेंड कॉल का जो है 900 रुपीज़ नहीं आया, सॉरी सेकेंड कॉल का 1200 रुपीज़ नहीं आया, फर्स्ट कॉल का 900 रुपीज़ नहीं आया, और सब कुछ मिला के सब तीनों लोगों ने मिलकर 25 रुपये का पेमेंट कर दिया, तो 25 रुपये चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में। ये था कैलकुलेशन का एंट्री कन्वर्जन। अब कंपनी ने क्या किया, उन सभी के सभी 600 शेयर को 11 रुपये के हिसाब से रीइशू कर दिया। तो रीइशू की एंट्री क्या करते हैं यहाँ पर हम? दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट। 600 शेयरों को 11 रुपये के हिसाब से इशू कर दिया, यानी कि 6600 रुपीज़ आ गया। और हमें पता है एक शेयर की कीमत थी 10 रुपये था, और 1 रुपये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो ये जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट दिस वन 6000 10 रुपये के हिसाब से, और जो बचा हुआ पैसा है वो अब ट्रांसफ़र कर दो कहाँ पर? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में दिस वन 600। कोई भी लॉस नहीं हुआ। हमारे अकाउंट में कितना रुपए पड़ा हुआ है? फॉरफ्यूचर अकाउंट में 2500 को ट्रांसफ़र कर दो कैपिटल रिजर्व में, और इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफ्यूचर अकाउंट डेबिट दिस वन 2500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2500। हो गया कंप्लीट। डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ना, तभी तो डाउट पूरा होगा, डाउट सॉरी क्लियर होगा, डाउट क्लियर करना जरूरी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली दिया हुआ है, कुछ भी यहाँ पर छुपा हुआ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ अजंता कंपनी लिमिटेड हैविंग अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ 3 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। नॉमिनल कैपिटल मतलब रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गया ये। ऑफर्ड पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 20,000। कंपनी ने पब्लिक के बीच में 20,000 शेयर्स को इशू कर दिया, जिसको पे करना था 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 कॉल्स ऑफ 2.5 ईच, यानी कि फर्स्ट कॉल का 2.5 और फाइनल कॉल का 2.5। ठीक है, आगे एप्लीकेशन पर रिसीट फॉर कंपनी 24,000 शेयर्स। देखिए 20,000 शेयर्स इशू किए और कंपनी के पास 24,000 एप्लीकेशन आ गए, इसका मतलब कंपनी के पास 4,000 एप्लीकेशन ओवर आ गए, ज़्यादा आ गए। कंपनी ने क्या किया, केवल 20,000 शेयर्स को एक्सेप्ट किया और बाकी सबको एप्लीकेशन रिमेनिंग शेयर्स पर रिजेक्टेड, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स देयर इज नो प्रोराटा अलॉटमेंट इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो सिंपल हो गया आपके पास, सिंपल क्वेश्चन हो गया। नाउ ऑल मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल 600 शेयर। सारा पैसा आ गया, केवल फाइनल कॉल का 600 शेयर्स का पैसा नहीं आया, इन शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। बाद में उसमें से 400 शेयरों को क्या कर दिया, रीइशू कर दिया गया 9 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। आपको जर्नल एंट्री करनी है एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री करने से पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन हम ये देखेंगे, कंपनी ने इशू कितना किया, क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन मनी है 2 रुपये। तो कंपनी ने इशू किया 20,000 शेयर्स, और इसके हिसाब से कंपनी को कितने रुपये मिलने चाहिए थे? 40,000 रुपीज़। लेकिन एक्चुअली में जब बैंक में रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ? 24,000 एप्लीकेशन विद द एप्लीकेशन मनी, दैट इज़ 48,000। कंपनी के पास 8,000 रुपीज़ ज़्यादा आ गया और कंपनी रिजेक्ट कर दिया, मतलब सारा पैसा क्या कर दिया? रिफंड कर दिया। तो हमें एंट्री यहीं से शुरू करनी है बैंक की एप्लीकेशन की एंट्री के साथ। जब हम एप्लीकेशन की एंट्री कर देंगे तो बुक ले लेता हूँ मैं ज़रा हाथ में, ताकि इजीली जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर सकें। तो पहली जो एंट्री होती है बैंक मनी, बैंक में पैसा रिसीव करने की, दैट इज एप्लीकेशन मनी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना पैसा रिसीव हो रहा है?
48,000 जो पूरा आ रहा है, ठीक है। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, द सेकेंड एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 48,000 टू शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, नेट अमाउंट 40,000, जो बचा हुआ 8,000 है कंपनी कर रही है रिजेक्ट, इसका मतलब इस पैसे को क्या कर दो, वापस कर दो, जहां से पैसा आया वहां को वापस हो गया। इसके जस्ट बाद हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट के, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट में कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई थ्री, अलॉटमेंट का 3 रुपीज़ है, 20 मल्टीप्लाई बाई थ्री दैट इज 60,000 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हेयर इज 60,000। ओके, अब क्योंकि अलॉटमेंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा तो सारा अमाउंट रिसीव कर लेंगे, तो एंट्री कर देंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, हेयर इज 60,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दिस वन आल्सो 60,000। फर्स्ट कॉल में भी कोई दिक्कत नहीं है तो फर्स्ट कॉल को भी पहले ड्यू कर लो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना रुपए होगा 2.5, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2.5 दैट इज 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हेयर इज 50,000। क्लियर हो गया। अब ये फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे, तो फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री करते हैं तो कितना आ जाएगा, दैट इज एंट्री फॉर रिसीविंग अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर पूरा पैसा रिसीव हो रहा है 50,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000। फिर बारी आती है फाइनल कॉल, लेकिन ध्यान रखना फाइनल कॉल में एक बंदे जिसका 600 शेयर है उसने पेमेंट नहीं किया, लेकिन फाइनल कॉल का ड्यू तो पूरा होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हेयर इज 50,000, ठीक है। और बैंक रिसीव की बात करेंगे तो 50,000 रुपीज़ हमें मिलना चाहिए था फाइनल कॉल में, लेकिन एक बंदे के पास 600 शेयर है उसने अपना 2.5 रुपीज़ नहीं दिया, 2.5, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का 150 दैट इज 1500 रुपये नहीं आ रहा है, तो माइनस कर देंगे तो कितना रुपये आ रहा है यहाँ पर, हेयर इज 48,500 रुपीज़ हमें रिसीव होगा, क्योंकि इस बंदे ने अपना पेमेंट नहीं किया 600 शेयरों का, तो रिसीव करेंगे अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट दैट इज 48,500 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 48,500। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब कंपनी ने क्या किया, उनके सभी शेयरों को फॉरफेट कर लिया, क्योंकि उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो उसके शेयरों को फॉरफेट कर लिया गया, और फॉरफेचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है 600 मल्टीप्लाई में पूरा 10 रुपीज़ कॉल किया गया, यानी कि हो गया 6,000 टू, उसने केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल कितना पैसा बनता है 1500 रुपये नहीं दिया, जब फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया इसका मतलब ऊपर के सारे रुपए दे दिए उसने, जितने दिए दिए सबको ट्रांसफ़र कर दो, कहाँ पर शेयर फॉरफीचर में, जब उसने 2.5 नहीं दिया तो 600 मल्टीप्लाई बाय 7.5 दे दिया होगा, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यार इस 4500 रुपीज़ फॉरफीचर में चला गया। कंपनी उसके तुरंत बाद क्या किया, रिश्यू किया 400 शेयरों को ऑनली, तो रिश्यू की एंट्री कर देंगे, हेयर इज बैंक अकाउंट डेबिट, 400 शेयरों को रिश्यू कर दिया गया, वो भी 9 रुपए के हिसाब से दैट इज 3600, तो 1 रुपए की हो गया लॉस, क्योंकि फेस वैल्यू है 10 रुपीज, जो लॉस होता है यहां से रिकवर करेंगे, दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, दिस वन लॉस का अमाउंट कितना हो गया 1 रुपीज दैट इज 400 टू शेयर कैपिटल अकाउंट
ये हो गया 4000। ठीक है, अब जब रीशू हो जाता है, अब सबको पता है रीशू करने के बाद रीशू का जितना भी बैलेंस फॉरफिचर में बचा होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो हमारे पास 4500 फॉरफिचर था, लेकिन वो भी 600 शेयरों का। रीशू किया केवल 400 शेयर, तो 400 शेयरों के हिसाब से कितना पाउंड बनता है कैलकुलेट करो। 20 से 20 कट दिया तो 6 7 42 6 5 30 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 5 20 4 7 28 28 29 30 3000। तो 3000 में से 400 रुपये फॉरफिचर में क्या कर दिया हमने, रिकवर कर लिया। रीशू करते वक्त 400 को उसमें से माइनस कर देंगे, टोटल अमाउंट कितना बचा, 2600 चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 2600 टू कैपिटल रिजर्व 2600। ठीक है, अब देखिए 4500 में से हमने 3000 का यूज़ कर लिया, ये अलग बात है कैपिटल रिजर्व, लेकिन अभी भी हमारे पास 1500 रुपये पड़ा हुआ है फॉरफिचर अकाउंट में। ये जो अमाउंट 1500 है वो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है, क्योंकि हमसे कहा गया है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए। क्या प्रिपेयर करने के लिए, बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले बना लीजिए, यहाँ पर अमाउंट और हियर इज पार्टिकुलर्स, और इसके जस्ट बनाने के बाद यहाँ पर बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट, ताकि कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, और जब फॉर्मेट बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ओके, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में पहला जो हेडिंग होता है मेन, दैट इज शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में बेटा दो पॉइंट आते हैं, एक आता है शेयर कैपिटल, और ये अमाउंट तो हमें कैलकुलेट करना ही है हमें, और टोटल आता है, दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान में रखिएगा, अभी जो कैपिटल रिजर्व था उसका अमाउंट यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके जस्ट नीचे दूसरा जो हेडिंग बनता है वो होता है एसेट्स का। एसेट्स में सब पहला बनता है नॉन करेंट एसेट्स, और हमें पता है शेयर कैपिटल में नॉन करेंट एसेट्स नहीं होता है, तो इसका अमाउंट यहाँ कुछ नहीं आएगा, डैश डैश। दूसरा जो पॉइंट बनता है दैट इज करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, और करेंट एसेट्स में भी हमारा हेडिंग बनता है हमारा दैट इज कैश एंड कैश, क्योंकि जब शेयर इशू करते हैं तो पैसा तो आएगा ही, तो यहाँ पर इक्विवेलेंस भी लिख दें कितना अमाउंट आएगा, वो यहाँ कैलकुलेट करेंगे। पहला कैलकुलेट करते हैं नंबर वन शेयर कैपिटल को, शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल में पहला हेडिंग बनता है ऑथोराइज्ड का, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, देखिए लिखा हुआ नॉमिनल कैपिटल ऑफ 3,10,000 इज, इसका मतलब ये हो जाएगा 3,00,000 का हो जाएगा 30,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 10 इंच, तो ये हो जाएगा 3,00,000। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, खाली लिख के छोड़ दो। ठीक है, इसके जस्ट नीचे हम लिखते हैं इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना हो जाएगा, इशूड कैपिटल हो जाएगा हमारे पास दैट इज 20,000 शेयर्स, तो ये हो जाएगा 20,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 10 इंच, तो ये हो गया 2,00,000। हो गया, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कितने हुए, सब्सक्राइब कितने हुए, देखिए हमने जो फॉरफिट किया था 600 को माइनस करने के बाद 400 रिश्यू कर दिया, यानी कि 200 शेयर ही हमारे पास पड़ा हुआ है, बेकार हट गया जो शेयर कैपिटल में नहीं आया। तो 20,000 में से 200 माइनस कर दो 19,800 एट द रेट ऑफ रुपीज 10, तो कितना हो जाएगा 1,98,000, 1,98,000, क्योंकि रिश्यू हो गया था, इस 1,98,000 को उठा के पूरा का पूरा यहाँ लिख दो 1,98,000। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब इस अमाउंट में, सॉरी यहाँ पर मत लिखो पहले तो, क्योंकि हमारे पास फॉरफिचर में पड़ा हुआ है ये अमाउंट। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, फॉरफिचर में मैंने जस्ट बताया था, फॉरफिचर में अभी भी 1500 रुपये पड़ा हुआ जो कि रिश्यू नहीं हुआ है, इस 1500 को यहाँ ऐड कर देंगे, किस नाम से, यहाँ लिख दो ऐड दैट इज फॉरफिचर अकाउंट, कितना जाएगा 1500, ये हो जाएगा
99,500, 1,99,500 को शेयर कैपिटल के आगे लिख दो, 1,99,500। अब इसके जस्ट नीचे दूसरा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट आता है, बेरिस रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, कैपिटल रिजर्व। और हमारे पास यहाँ पर कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, और कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट गया, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट गया हुआ है, देखिए थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट किया था, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट गया हुआ है 2600। तो इस 26 को यहाँ पर एंट्री कर दो, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 0, 0, 1, 11, 1, 12, 0, 202,100 सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री यहाँ कर देंगे, सॉरी कैपिटल रिजर्व, और इन दोनों का टोटल हो जाएगा अमाउंट 202,100। अब बात आती है कि सर कैश एंड कैश रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जितना भी पैसा हमारा रिसीव हुआ है बैंक में, जितनी भी एंट्री हमने बैंक की थी ना, वो सब अमाउंट आ जाएगा। कौन कौन सा अमाउंट है, एप्लीकेशन का पैसा आ चुका था, कितना पैसा आया था, 8,000 वापस कर दिया था 48,000, तो यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा 40,000। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आ जाएगा, अलॉटमेंट का अमाउंट आया था 60,000, ठीक है। फर्स्ट कॉल का कितना आया था 50,000, फिर था फाइनल कॉल का कितना पैसा आया था माइनस करके 48,500, फिर हमने रीशू कर दिया था शेयर कैपिटल में, रीशू में कितना पैसा आया था 3,600। इन सबको प्लस कर दो तो यह जाएगा 202,100, तो यहाँ लिख देंगे 202,100, और इस अमाउंट को उठा के यहाँ लिख दो, दैट इज़ 202,100, और इसका भी टोटल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। इसी तरह से बैलेंस शीट बनाना है, डाउट होता है ना क्वेश्चन में किस तरह से कहाँ पर आया, क्या आया, क्यों आया, आप पूछ सकते हैं बेझिझक बेधड़क, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।